भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही देश भर में राहुल गांधी की इमेज में काफी सुधार आया है। अब लोग उन्हें सीरियसली लेने लगे हैं। राहुल ने भी खुद को मैच्योर दिखाने के लिए बड़ी हुई दाढ़ी और बाल रखना शुरू कर दिया है। पर राहुल को क्या पता था कि उनका ये लुक भी उन्हें मजाक का पात्र बनाकर रख देगा। दरअसल बात यह है कि इन दिनों बिहार की राजनीति में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लोगों के पसंदीदा नेता के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में क्या था, अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाते हुए सम्राट ने राहुल गांधी के साथ साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी लपेटे में ले लिया, जिससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी पार्टी के नेताओं को सफाई देनी पड़े। तो क्या कहा सम्राट बाबू ने, चलिए पहले वो सुनाते हैं। इस तरह कार्य का कार्य जब पंचर होता है तो चिट्ठी लगा के नहीं कुछ दूर चल लिया जाता है। वही है महागठबंधन। ये कार 2024 में भाजपा के लोग वसूली के 2024 में नीतीश कुमार का कार्य पूरी तरह ध्वस्त कर जाएगा और स्वयं कार्य किया। अब नीतीश कुमार क्या करेगा, अब नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम समझिए। देखो फिल्म देखे होंगे कजनी का, और कजनी फिल्म में जो हीरो है अमीर का, वो 20 मिनट में समझे बुलाया और विरोधी है बहुत कमजोर है। वही आला बन गया है नीतीश का। ये आप सब कह रहे हैं कि दरभंगा में उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री है बताइए। रात में सपने देते हम, सपने में वक्त ले लिए हम, सीधे तो बंगा हम कहे कि मैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। बताइए जो मानसिक स्थिति उनकी खराब है कि नहीं खराब। बिहार विधानसभा के 3-3, 4-4 सदस्य है आप, उनसे पूछिए। विधानसभा में कहा कि हम गृह मंत्री गृहमंत्री का जो है रेल मंत्री के सब देखिए नीतीश बाबू मेरे हिसाब से बीमार हैं, बुरे हैं। और पिछले चुनाव में एक खंडा में क्या कहता हूं मैं, ये मेरी अंतिम चुनाव की लड़ाई है। अब पता है फिर पड़ने का फिर कहते प्रधानमंत्री बनना है। भैया नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री कौन बनाएगा ये तो बताइए। एक तरफ राहुल गांधी है, राहुल गांधी आजकल वो मुसलमान में लाने की तरह गाड़ी वाले उड़ाकर कुछ भाई गाड़ी उड़ाकर सोच रहे कि मैं मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हो जाए। देखा आपने, राजनीति चमकाने की आड़ में ये इतने मशरूफ हो गए कि अपने शब्दों पर काबू तक नहीं रख पाए। सम्राट बाबू क्यों पंगे ले रहे हैं, अभी अभी आपको इतना बड़ा पद मिला है, प्यार से संभालिए। इस तरह के बयान देकर पार्टी को शर्मिंदा मत करिए। क्यों, सही कहा ना हमने।